हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइटफुली देसी। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल एक ऐसी चटपटी सब्जी जो मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी और स्वाद ऐसा कि सब चटकारे ले लेकर खाएंगे। इसके लिए हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो है बेबी कॉर्न, बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मली घर में ही मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में डाला है 2 चम्मच तेल, कोई सा भी तेल ले सकते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद तेल डाल रही हूँ। तेल चटकने के बाद में इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने रफली काट लिया है। अब इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सब चीज़ों को तेज़ गैस पे सौते करना है। इसमें डाल रही हूँ इस तरीके के कटे हुए बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न को भी सौते कर लेंगे। गैस हाई रखनी है। इसको 30 सेकंड के लिए सौते करने के बाद में इसमें डालेंगे 3 कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी इसी तरीके से हाई फ्लेम पे सौते कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर नमक डाल दीजिए स्वादानुसार, 1/2 चम्मच शक्कर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस अभी हाई रखनी है। ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद में इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच सोया सॉस और 1/2 चम्मच विनेगर। इसको भी मिला लेते हैं अच्छे से। अब गैस को मीडियम कर दीजिए और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाइए। 5 मिनट के बाद में इसको चेक करते हैं। सब्जी एकदम तैयार है। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। बस गर्मा गर्म सर्व करिए इसको। चाहे तो रोटी के साथ खाइए या पराठे के साथ, या फिर ऐसे ही खा लीजिए। घर के सभी मेंबर्स को ये सब्जी खूब पसंद आएगी। अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से तेल ऊपर से। देखिए कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई सब्जी। आप भी इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।